गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स का हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स मतलब जो लोग हैं वो एक संसाधन के रूप में हैं। मनुष्य जो है या ह्यूमन बींग जो है एक संसाधन के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में है। और आप सभी जानते हैं कि एक पावरफुल रिसोर्स के रूप में है। किस प्रकार से एजुकेशन, स्किल और हेल्थ के माध्यम से उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर पाते हैं और उसको एक हेल्दी रिसोर्स बना पाते हैं, तो इस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें से हम लोग देख रहे हैं आपका जो पिछले टॉपिक में हमने चर्चा किया था, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसकी गुणवत्ता आखिर किस प्रकार से आती है, तो ये हम लोग चर्चा करने का बात कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया था पिछले टॉपिक में, आपने देखा होगा वीडियो का, एजुकेशन के बारे में, सकल का एजुकेशन के बारे में आपने देखा। इनिशियल ईयर्स के अंदर में जिस प्रकार से सकल को एजुकेटेड किया गया, सकल को, तो वो उसका जो फल मिला वो बाद में मिला, क्योंकि बाद में उसने अच्छी नौकरी पाई, अच्छा सैलरी उसे मिलने लगा। हाँ, हमने देखा किस प्रकार से उसके अंदर जो इनपुट डाला गया, हाँ, उसका जो है उसके लिए एक नई क्षितिज, एक नया आकाश खुल गया उसके लिए। हाँ, और उसके जो ख्वाहिश थे वो पूरा हुआ, उसके लाइफ का जो वैल्यूज था वो बढ़ा। और नहीं सिर्फ ये सकाल के लिए, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवार्ड्स, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे आज, कि एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवार्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। ना केवल इंडिविजुअल सकाल के लिए, बल्कि ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए भी इसने क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इट इन्हेंस द नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम्स के अंदर में भी मान लीजिए इसका कंट्रीब्यूशन है। हम लोग जो कमा रहे हैं उसका तो भाई कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं नेशनल इनकम में है। तो कल्चरल रिचनेस, सांस्कृतिक रूप से जो हमारी समृद्धता है उसके लिए भी है, मान लीजिए सांस्कृतिक समृद्धि के लिए भी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति अगर होगा तो उससे हमारे संस्कृति भी रिच होगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इंक्रीज ऑफ इफिशियंसी ऑफ गवर्नेंस, जो गवर्नेंस हमारा है, जो प्रशासन हमारा है, उसके अंदर भी मान लीजिए पढ़े लिखे लोग होते हैं या ये तमाम एजुकेटेड लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं भूमिका होता है। तो वही चीज़ लिखा है कि ये हमारे जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो केवल किसी एक व्यक्ति विशेष के विकास के लिए नहीं है, इसके अलावे वो हमारे राष्ट्रीय आय में भी उसका कंट्रीब्यूशन होता है। जो हमारा कल्चरल रिचनेस है, जो सांस्कृतिक समृद्धि में भी वृद्धि करता है, और प्रशासन का जो कार्य क्षमता है उसको भी वो बढ़ाता है। तो ये शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है हमारे समाज के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर में। देखिए लिख रहा है कि देयर इज अ प्रोविज़न मेड ऑफ प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एसेस। अब ये आपका एक प्रोविज़न बनाया गया, प्रावधान किया गया, ताकि जो शिक्षा है वो यूनिवर्सल एसेस हो, मतलब कि सार्वजनिक रूप से शिक्षा का पहुंच जो है वो तमाम लोगों पर हो। आप देख रहे हैं कि एजुकेशन जो है हमारे यहाँ, शिक्षा पाना फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। वर्ष आपका 6 से 14 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये कराना हमारा, ये कानून बना करके आपका 2009 के अंदर में पास किया गया है कि लोगों को मुफ्त एवं निःशुल्क शिक्षा देनी है, अनिवार्य शिक्षा देनी है। तो ये प्राथमिक जो शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें कोशिश किया गया है कि भाई सार्वजनिक पहुंच हो, इसका सब तक इसकी पहुंच स्थापित हो पाए, कोई शिक्षा से वंचित नहीं हो, यूनिवर्सल एसेस हो। रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद द स्पेशल इम्फेसिस ऑन गर्ल्स। और साथ ही साथ इसका रिटेंशन बना रहे, मतलब एक धारण बना रहे। रिटेंशन मतलब क्या होता है, ठहरना जैसा, मतलब कि ठीक है कि मैंने लोग अगर एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो उसको उसमें सस्टेन करे, उसमें लगे रहे। और क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें क्वालिटी दिया जाए, गुणवत्ता दिया जाए, विथ स्पेशल इम्फेसिस ऑन गर्ल्स, और ख़ास करके ये जो लड़कियाँ हैं, जो ये महिलाएँ हैं और हैं, उनको शिक्षित किया जाए, लड़कियों को शिक्षित किया जाए। ये प्रावधान किया गया, लड़कियों के पढ़ाई पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि बाबा गांधी कहते थे कि अगर एक पुरुष शिक्षित है तो सिर्फ वो स्वयं के लिए शिक्षित है, मगर एक महिला शिक्षित है तो पूरे परिवार के लिए शिक्षित है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, यही सोच हमारे गवर्नमेंट की भी रही है, जब भी रही है। देयर इज ऑल्सो एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सीटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदया विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। और इन्हीं चीज़ों को गति प्रदान करने के लिए, इन्हीं चीज़ों को लिए